गाबा सर गुड मॉर्निंग बताइए आपका क्विक सिंगल। तो जो क्विक सिंगल सिंगल का जो जो है 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 कल आपने उसका जिक्र किया था वो ट्रेड कर रहा है 552 के आसपास स्टॉप लगाना चाहिए रुपए अपसाइड टारगेट 560 565 में एक तेजी देख सकते हैं ओके, आपका क्विक सिंगल है? आ, आप पर, uh, मुझे अल्ट्राटेक में एक ब्रेकआउट हुआ है लॉन्ग तो uh, uh, पोजिशन बनाने की सलाह होगी इमिडिएट बेसिस दस हजार दस के, uh, uh, के आसपास का एक रेजिस्टेंस है जैसे ये पार हो जाता है तो दस हजार दो सौ बीस तक एक ये रैली माउंट होगी तो यहाँ पर खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में

ओके सीमेंट आज सीमेंट्स पे हमारा पैनल कर तो करनी है चार दिनों के कंसोलिडेशन के बाद इंडिगो में आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 29, का आपको लॉस लगाना है और 3075 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ये कैश टेबल्स पर बताएं ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो तीन हजार वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है 94 फोर पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर आपको सिक्सटी फोर का लॉस से खरीदारी करनी है और एक सौ पचास रुपए के टारगेट से ओके चलिए ये इस समय मानस के का आशीष भैती जी आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा इस समय Uh, अनुज जी क्विक सिंगल के तौर पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड देना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है दो दिन से जरूर गिरावट देखने मिली है लेकिन स्टॉक अपने सपोर्ट जोन पे आ चुका है ट्वेंटी डेमा पे मुझे लग रहा है एक अच्छा स्पॉट है और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल है इन लेवल्स पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदारी के लिए तो थोड़ा सा अगर ऑटमी टेम बन जाता तो और अच्छा चौबीस के जितने पास में अगर हम खरीद स पाएंगे उतना बेटर हो जाएगा इसमें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो तेईस सौ पचासी का कैसे मेंटेन करे और हमें लग रहा है इसमें एक वापस फुल बैक देखने मिल सकता है जिससे चौबीस तक के लेवल देखा सकता है कॉन्ट्रा ट्रेड है दो दिन से गिरावट जरूर है लेकिन अच्छे रिस्क वॉट के है इसलिए सजेस्ट किया गया ओके तो रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चैनल को ऑन करती है तो अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ले लें यहाँ पर

एन टी में बनती नजर आ रही है तेजी और एक बार जरा आप लेकर आइए वापस ये पी एफ सी और आर सी और आ, क्या कहें के बारे में दो तीन दिन का कंसोलिडेशन उसके बाद इस तरीके के मूव्स आते हैं इनमें मानस इनमें से कोई ट्रेड लिया जाए क्या तो बिल्कुल देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ था पीएफसी को भी पीएफसी में खरीदारी करने के मौके अभी भी दिखते हैं क्योंकि हाई टॉप हाइडम्स लगातार अनुजी देखने को मिले और आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है

और इकतीस सौ पचास तक के टारगेट थे अभी भी एक स्टॉक ग्रीन में जी लेकर आइए ज़ी काफ़ी वॉलेटाइल है बैन में आ गया वापस कल ऊपर खुला फिर थोड़ा लोअर लेवल पर आया थोड़ा करेक्शन आई लेकिन अब फिर एक मूव आ रहा है लेकिन आज वापस पावर शेयरों में अच्छा मूव आ रहा है ये आप देखिए सारे के सारे एन और पी एफ सी, सी। वीरू आज इस स्पेस में ही ट्रेड्स ढूंढे जाएँ तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है मैं आज वीरू बिल्कुल पी एफ सी आर ई सी आज स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए और एक बार स्क्रीन पे रखिएगा पेयर रखिएगा और क्रॉस चार्ट रखिएगा थ्री नाइन्टी सेवन शानदार मूव तो यहाँ पे इस पर नज़र रखिएगा अच्छा मोमेंटम जैसे जैसे पी एफ सी में है आर ई सी में है इंडिगो में है मोमेंटम है आ, डिक्सन को देखिएगा आप एक बार सचिन जी अब आ, हमारा वो जो प्रीवियस स्विंग हाई था सात अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस का बासठ सौ तीन का वो ऑलरेडी पार हो चुका है हम ओवरटेक कर चुके हैं उसको आज पैंसठ सौ एक पर कल कल की बॉडी को हम क्रॉस कर चुके हैं कल के आ, में ट्रेड ट्रेड करते हुए अभी आपका व्यू यहां पे किसी प्रोस्पेक्टिव से तो वापस एक अच्छी रिकवरी बन सकती है प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर भी नजर आया था 6800 के बनाने के बाद तो इमीडिएट बेसिस बड़े अग्रेसिव मोमेंटम की तैयारी नहीं होगी बट कहीं जाकर इम्पॉर्टेंट uh, होगा कि सिक्सटी फोर हंड्रेड का लेवल डिफेंड हो जाए तो अगर किसी को लॉन्ग पोजिशन बनानी है तो आई थिंक सिक्सटी थ्री नाइन्टी फाइव के स्टॉप लॉस के साथ बनाई जा सकती है बट ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है uh, बड़ा मोमेंटम तभी होगा जब सिक्सटी सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन फोर्टी का लेवल अगर टूट जाता है तो आई थिंक इंट्रा डे में एक स्विंग बन सकता है सिक्सटी सिक्स फिफ्टी फाइव तक का बट ज्यादा अग्रेसिव लॉन्ग पोजिशन बनाने की यहाँ पर सवाल नहीं होता ओके पॉइंट डिक्सन आपके स्क्रीन पे पोस्ट। बटोरी लाइमलाइट कर रहा था पीआई इंडस्ट्रीज चतुर्मा साहब आपके पास आऊंगा आई एम श्योर आप लोगों की टीम ने फंडामेंटल टटोले होंगे और चार्ज भी स्टडी कर रहे होंगे पर ये आवाज की एक्सक्लूसिव थी उस समय अपडेट्स दिए थे सी आवाज ने चल कह रहा है जब पी आई इंडस्ट्रीज करेक्ट होना शुरू हुआ था और अपडेट्स आने के बाद ये स्टॉक कोलैप्स ही कर गएली दस परसेंट की गिरावट के साथ कामकाज की समाप्ति हुई थी क्या कह रही हैं वो अपडेट्स को लेकर ब्रोकरेजेस वो चाइनीज कंपटीशन की जो थ्रेट की बात सामने आई थी हर्षदा पीआई इंडस्ट्रीज क्या व्यू बन रहा है दरअसल दो रिपोर्ट्स आई हैं एक मोतीलाल की एक नुवामा की अब हम सब जानते हैं कि पीआई इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है 60 परसेंट एक्सपोर्ट से इसी प्रोडक्ट के थ्रू आता है और वहां पर अपडेट ये था कि रेनबो एग्रो दरअसल एक

इसी के तहत पीआई इंडस्ट्रीज़ का जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उन्होंने अपना डिमांड प्रेशर के तहत गाइडेंस में कटौती की है अब इनकी गाइडेंस में कटौती बेसिकली एक वीक आउटलुक देती है पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए इसीलिए कल थोड़ा सा पैनिक आता हुआ दिखाई दिया था अब पीआई इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट ने कहा है कि देखिए हमारे पास पेटेंट 2025 तक है जब तक पेटेंट है किसी तरह के ऐसे नए प्रोडक्ट लॉन्चेज या फिर पाइपलाइन दूसरी कंपनियां खड़ी कर रही हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा इनफैक्ट पीआई आए इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट ने इस रिपोर्ट के तहत अपने फुल गाइडेंस को रिट्रेट किया है और कॉन्फिडेंट है अपनी ग्रोथ को लेकर दूसरी तरफ नुवामा भी कह रही है एक सिंगल प्रोडक्ट पर निर्भरता के चलते यह दबाव बनता दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रोटेक्शन पेटेंट प्रोटेक्शन हटने से जो 2025 के बाद होता दिखाई देगा तब दबाव देखने को मिल सकता था नुवामा का कैलकुलेशन है एक्सपोर्ट रेवेन्यू में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का करीब करीब 56 छप्पन परसेंट तक का योगदान है तो 56 से 60 परसेंट एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ से आ, यहां पर रिस्क घटाने के लिए कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स पर फोकस करेगी और कर भी रही है हम सब जानते हैं वो अपने फार्मा बिजनेस में भी उतर रहे हैं साथ ही साथ ऐसी ही इसी तरीके से जोखिम घटेगा तो नियर टर्म में थोड़ा सा रिस्क है लेकिन रिस्क इस बात का है कि 2025 में जब पेटेंट हटेगा तब वो रिस्क उभर कर आएगा मेन टाइम इनके एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने गाइडेंस कट किया है उसका एक ओवरहैंग स्टॉक पर था कल तो दोहरी मार हो गई भाई जो इकलौता प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट था वहां पे कंपटीशन इंटेंसिफाई करेगा तीसरी चाइनीज कंपनी उसी धंधे पे उतर रही है और दूसरी तरफ जो दुनिया का प्रोमिनेंट क्लाइंट है वो गाइडेंस कट करता है तो डर लग गया है कि स्पेस का तो आउटलुक खराब हो रहा है ये हाल है दस परसेंट करेक्ट हो गया पर इसने बहुत कमा के दिया है चतुर्माता साहब एक सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंस का ये होता ही है खामियाजा जब प्रोडक्ट चमकता है तो स्टॉक फटता है अब चैलेंजेस सामने पी आई बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें